हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 8.3 ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, जो अमीबा या बैक्टीरिया के केस में होता है, उसमें जो एंटायर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। उन सेल्स को हम लोग सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स कहते हैं, अदरवाइज दे आर नोन एज गैमेट्स। मेल गैमेट इज नोन एज द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। The sperm and the ovum combine together by the process of fertilization to form another single cell which is called as zygote. Zygote divide karta hai and develop karta hai to form a new individual which occurs in case of plants as well as in case of animals. Now because yahan pe jo individual hai usme दो सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, सो द इंडिविजुअल वोंट बी एन एग्जैक्ट कॉपी बट इट विल हैव मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, द मेल एंड द फीमेल। क्रोमोसोमल लेवल पे अगर हमें समझना हो तो जो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब ये है कि उनके बॉडी सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, है ना, पेयर में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक सेल लिया है मेल पेरेंट का, इट हैज़ गॉट 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सिमिलरली फीमेल हैज़ गॉट 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों सेल्स को डायरेक्टली कंबाइन कर दें, देन जो न्यू सेल बनेगा उसमें कितने होने चाहिए क्रोमोसोम्स, देन इट विल हैव 3 फ्रॉम द फादर, 3 फ्रॉम द मदर, इट मीन्स इट विल हैव 6 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, विच विल बी रॉन्ग। हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होना, सभी ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होना चाहिए। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, रादर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, बन जाते हैं, एंड दोज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स। हैप्लॉइड होने का मतलब ये है कि जो सेक्स सेल्स हैं या फिर जो हमारे गैमेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्ट हाफ होगा अपने पेरेंट का। जैसे कि मेल पेरेंट में 6 क्रोमोसोम्स हैं, सो स्पर्म विल हैव 3 क्रोमोसोम्स ओनली। फीमेल पेरेंट में 6 क्रोमोसोम्स हैं, सो द ओवम विल हैव 3 क्रोमोसोम्स ओनली। सो इस तरीके से जो मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट है जो एक्चुअली डिप्लॉयड हैं, स्पेशल सेल्स बनाते हैं जो सेल्स हैप्लॉयड होते हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। अब जब इन दोनों गैमेट्स को हम कंबाइन करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 3 फ्रॉम हियर, 3 फ्रॉम हियर, इट मीन्स देयर विल बी 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एकदम सही है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। सो द डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड विच फर्दर डिवाइड्स इनटू द इंडिविजुअल ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज, दैट इज हाउ इट वर्क्स एट क्रोमोसोमल लेवल। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के डीएनए होंगे, एंड द इंडिविजुअल विल हैव मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेंज होंगे तो अगर एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज होता है या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें प्रीवियस जनरेशन सर्वाइव नहीं कर सकती है, सो जो न्यू जनरेशन है विच हैज़ गॉट मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ लें। तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को सबसे पहले पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, द ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच कवर द बड इनिशियली, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। इनसाइड विच लाई द कलर्ड लीफलेट्स विच आर कॉल्ड एज पेटल्स। पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज स्टेमन, एंड टूवर्ड्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज द पिस्टल। अगर हम एक स्टेमन को बाहर निकाल के उसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट जो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड एंथर जो एक बायलोड स्ट्रक्चर होता है। इफ़ यू ओपन द एंथर यू विल फाइंड स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द एंथर विच आर नोन एज पोलन्स। पोलन एक्चुअली एक
छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. सो द पोलन इज एक्चुअली द कैरियर, द वन हु हैज द मेल गैमेट्स. सो यहाँ पे तो हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं. अब फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फीमेल गैमेट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द पिस्टल. नाउ इफ वी वॉन्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस, हमारे पोलन को पिस्टल तक पहुँचना होगा, है ना. सो वेन द पोलन फ्रॉम द एंथर रीचेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. जब पोलन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. एंड पोलन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल पे पहुंच गया, देन इट विल लैंड ऑन अ सर्फेस दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक लॉन्ग स्ट्रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द स्टाइल. एंड फाइनली द लार्ज पार्ट विच इज नोन एज द ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, ठीक है. नाउ इफ यू लुक इनसाइड द ओवरी, इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल विच इज द फीमेल गैमेट. अदर देन एग सेल द ओव्यूल हैज गॉट टू पोलर न्यूक्लियाई एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स. इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम मिला दें, देन इट विल बी नोन एज द एम्ब्रियो सैक. अब पोलन यहाँ सरफेस पे है, एग सेल यहाँ पे इनसाइड में है, देन हाउ विल द मेल गैमेट्स रीच द एग सेल? द पोलन प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब विच रीचेस द एग सेल. Inside the pollen tube are present two male gametes. One male gamete combines with the egg cell. The other male gamete combines with polar nuclei. ठीक है. दैट इज हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट विच विल फर्दर डेवलप इन टू एन एम्ब्रियो. सो जो हमारा ओव्यूल होता है वो डेवलप करके सीड बनाता है, एंड जो हमारी ओवरी होती है इट प्रोड्यूसेस फ्रूट. दैट इज हाउ व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन तो समझना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें पोलन जो है एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में जा रहा है ऑफ सम अदर प्लांट, है ना, विच इज़ फार अवे. तो वो कैसे जाएगा? इधर इट विल गो विथ सम इंसेक्ट या फिर इट विल गो विथ विंड और वाटर. इन सेल्फ पॉलिनेशन जो पोलन है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाता है, या तो सेम फ्लावर में या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, ठीक है. सो इन सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट रिमेन्स द सेम. इन क्रॉस पॉलिनेशन द प्लांट इज डिफरेंट बट ऑफकोर्स ऑफ द सेम स्पीशीज. सो दिस वॉज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. देर आर क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू सॉल्व दैम. मेंशन योर आंसर इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.